ये जितने भी स्टार वाले प्रश्न मैंने आपको बताया, अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिए तो आपको इस बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स क्लास 12 के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, जो बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 6 वीडियोज बना चुके हैं, अगर आप ये 6 वीडियोज देखते हो तो आपके एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ सकेगा। साथ में मैंने अपने टॉप 100 बैच में इस चैप्टर का नोट्स दे दिया है। अगर आप हमारे नोट्स, हमारे वीडियो लेक्चर और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी की किताब अगर आप इतना तैयार कर लिए तो आपको 95 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना अगर आप सच में पढ़ाई के लिए थोड़ा सा भी सीरियस हो। और मैं आपको बता दूं, ये वही चैनल है जो 2019 की बोर्ड परीक्षा में तहलका मचाया हुआ है। काफी बच्चे इस चैनल से पढ़ाई कर 90% पाए हैं। तो इस बार हम लोग का मिशन बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि काफी जिम्मेदारी हो चुकी है, बच्चे बहुत तेज सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अब की बार 90 पार, मतलब है कि हम लोग इस तरीके से आपकी तैयारी और आपको मेहनत करवाएंगे कि जितने भी छात्र शुभम क्लासेस से जुड़े हों सभी का 90 प्लस आए। इसके लिए हम लोगों ने न्यू सिलेबस और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित वो क्वेश्चन को तैयार किए हैं जो हम लोगों ने एनसीईआरटी की किताब, साइड बुक और जो क्वेश्चन बैंक आते हैं और जो पिछले वर्षों के पेपर होते हैं, इनमें से जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन और जो सेलेक्टेड और बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो वीडियो आज की इस वीडियो में आपको उन प्रश्नों को बताऊंगा। और साथ में इस चैनल पर मैंने आपको 3 तरीके के बता चुका है कि अगर आप 90% पाना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। हमारे वीडियोस और जो हम नोट्स देते हैं अपने टॉप 100 बैच में, साथ में एनसीईआरटी की बुक, अगर आप ये 3 चीज और जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर वाइज बता रहा हूं, टॉप 100 बैच क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। अगर आप 80% पाना चाहते हो तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी की किताब, हमारे नोट्स और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से चैप्टर वाइज बताऊंगा, और अगर आप 70% से संतुष्ट हो जाते हो तो आपको वीडियोस और नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस ये 3 चीज कर लेते हो तो आप 70% पाने के हकदार हो जाओगे। साथ में मैं हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसमें स्टार कैटेगरी क्वेश्चन रहेंगे, ये जो बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। साथ में अगर आपको इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट और सभी चैप्टर के चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर आपको www.shubhamclasses.com पर मिल जाएंगे। मैंने उन छात्रों के लिए बहुत ही स्पेशल बैच बनाया है जो मात्र 500 रुपये पूरे साल का सभी विषयों के लिए दे सकते हैं। टॉप 100 बैच में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरीके से वीडियो लेक्चर, लास्ट ईयर पेपर सब कुछ मिल जाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% दिलाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अगर आप भी हमारा टॉप 100 बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे नंबर 70 84 81 7009 पर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के वो कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल एफ होता है और जो हमारा परीक्षण आवेश क्यू होता है, क्योंकि तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। शुरू करते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न से। जो पहला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एफ तथा परीक्षण आवेश क्यू के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है? अर्थात हम इसे किसे डिनोट कर सकते हैं? E इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है? जो हमारा एफ है वह है हमारा लगने वाला बल है तथा क्यू नॉट हमारा परीक्षण आवेश है, ठीक है? और पूछा है इसका मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक आप सभी को पता है कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर हम लिख सकते हैं, ठीक है? फिजिक्स के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करना उसका मात्रक जरूर लिखना, इस पे आपका हाफ मार्क्स होता है, ठीक है? बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जो सेकंड क्वेश्चन है विद्युत आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, ठीक है? यह भी क्वेश्चन 4 साल पूछा जा चुका है। तो मैंने जितने भी इस क्वेश्चन में टॉपिक आएंगे मैंने उन सभी का 6 वीडियो बनाया है, एक एक
टॉपिक को कवर किया है एनसीईआरटी के। अगर आप ये 6 वीडियो देख लिए तो आपका इस चैप्टर से ऐसा एक भी टॉपिक या ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा जब आप ये क्वेश्चन देख लेना तो इन वीडियो को देख लेना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आप देख लिए, वैद्युत द्विगुआ गुण से आप क्या समझते हैं। और मैंने इसी तरीके से केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन जो विलयन है उसका वीडियो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बना चुका है। उसको मात्र 4 दिन में 10,000 बच्चे देख चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देख लेना अगर अब तक आपने नहीं देखा है। बात करते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में, जो पहला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, यह क्वेश्चन 3 नंबर में अक्सर पूछता है। तो आपको इन क्वेश्चन को मेरा बताने का मेन कारण है कि जो बच्चे कमजोर हैं वो अगर अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो उनको एग्जाम आते आते इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आने लगेगा और वो भी इन सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आपसे रिकमेंड करूंगा, मैं जितने क्वेश्चन इस तरीके का बताता हूं आप अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बीतते मात्र 5 से 6 महीना बचा है, ये कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करो ताकि आपका बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 14, 12, 8, 9, 16, 17 मतलब 5-6 वर्षों में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन मैंने स्टार भी लगाया है क्योंकि यह क्वेश्चन 2020 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जितना इस चैप्टर बताऊंगा वो सभी क्वेश्चन को तैयार करना है, लेकिन जो स्टार वाले बताऊंगा उनको आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अब बात करते हैं उन क्वेश्चन की जो आपके लिए दीर्घ उत्तरी या 5 नंबर जो आपके लिए लॉटरी का काम कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विगुण पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विगुण आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, ठीक है। इसमें से मैं जितने बार बार बोल रहा हूं, जितना भी टॉपिक मैं इसमें बता रहा हूं क्वेश्चन में, उन सभी टॉपिक को मैंने वीडियो में बता चुका है, इसलिए मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको इन सभी को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में 6 वीडियो दिया हूं, आप इसको देख ली तो आपका यह चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, वैद्युत द्विगु की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस चैप्टर में आपको 4 दीर्घ उत्तरी बताऊंगा, अगर आप ये 4 दीर्घ उत्तरी कर लिए तो एक इसमें से आना पक्का है। तो आपसे मैं बार बार बोलूंगा, जितने क्वेश्चन मैं इस तरीके से बता रहा हूं उनको एकदम मत छोड़ना। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित गोली कोष के बाहर केंद्र से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित कीजिए। यह क्वेश्चन इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे से, इसका डेरिवेशन भी मैंने समझाया है। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप वीडियो देख लो, हमारे नोट्स तैयार कर लो, और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको आपको 90+ पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, मैं हर एक एनसीईआरटी के टॉपिक का वीडियो बना रहा हूँ, साथ में आपको नोट्स भी दे रहा हूँ चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। इतना आप तैयार कर लिए तो आपको 90+ पाने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है सिवाय एनसीईआरटी की, ठीक है। बात करते हैं चौथा प्रश्न और आखिरी, वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को बताऊंगा जो आने के 40% भी चांस होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वो सभी मिलेगा, आपको सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो लेक्चर। अगर आपको इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और सभी चैप्टर्स के, तो आपको क्या करना होगा वो सुन लो। और एक बात और क्लियर कर दूं, इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी होंगे और जो आपके न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल को मैं सितंबर 1 से एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है एक एक न्यूमेरिकल को लगवाऊंगा, तो आप न्यूमेरिकल की बिल्कुल चिंता ना करें। साथ में मैंने बहुविकल्पी के लिए 500 क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार किया है जो मैं अपने टॉप 100 बैच में दूंगा। अगर आप ये 500 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो ये अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी तैयार कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके से सभी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियोस, नोट्स, लेक्चर सब कुछ चाहिए, तो इसके लिए मात्र ₹500 फीस है आपके सभी सब्जेक्ट के लिए साल
भर का हम लोगों ने बैच बनाया है स्पेशल स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे 500 रुपये खर्च कर सकते हैं साल भर में एक बार, उनके लिए हम लोगों ने टॉप 100 बैच बनाया। इस बैच में आपको सभी सब्जेक्ट के हमारे वेबसाइट पर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर सब कुछ मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये अकाउंट नंबर दिख रहा है, नहीं तो हमारा पेटीएम नंबर, फोनपे या गूगल पे नंबर है 70 84 81 709 पर, इस पर आपको 500 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज देना, मैं आपको तुरंत इस ग्रुप में जोड़ दूंगा। आपको इस ग्रुप में सभी सब्जेक्ट के नोट्स, वीडियोस, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल के साथ सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आप आराम से 90+ पा सकते हो। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट करो। अगर ये वीडियो पसंद है लाइक करो, और मैंने केमिस्ट्री का वीडियो भी बना चुका है विलियन का, तो आप नहीं देखा तो जरूर जाकर देखो, 10,000 बच्चे उस वीडियो को देख चुके हैं, आप भी देखकर उन क्वेश्चन को तैयार कर लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।